पिपराई थाना क्षेत्र के मिसलिया में अगवा हुए बच्चे का शव बरामद हुआ। गौरतलब है कि रविवार को 14 साल के नाबालिग को पिपराइज में किडनैपरों द्वारा किडनैप कर लिया गया, जिसके बाद उसके पिता से 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। लेकिन अभी किडनैप हुए बच्चे को 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि किडनैपरों ने बच्चे की हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है और उनसे पूछताछ कर रही है। वहीं पिपराइज के जंगल छत्रधारी गांव में बलराम गुप्त को अगवा कर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। रविवार शाम 5 बजे परिवारजनों की सूचना के बाद बच्चे की तलाश में पिपराइज पुलिस और क्राइम ब्रांच के साथ ही एसटीएफ की टीम भी लगाई गई थी। जंगल दूषण से एक मुर्गा कारोबारी, मोबाइल सिम बेचने वाले एक दुकानदार और एक प्रॉपर्टी डीलर को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। और पूछताछ के दौरान एक अभियुक्त की निशानदेही पर जंगल से बच्चे का बरामद किया गया। मिसौलिया टोली निवासी महाजन गुप्त घर में ही किराने की दुकान चलाते हैं, साथ ही जमीन के कारोबार से भी जुड़े हैं। उनका बेटा बलराम दिन में 12 बजे के आसपास खाना खाने के बाद टी शर्ट और पैंट पहनकर दोस्तों के साथ खेलने निकला और घर नहीं लौटा। 3 बजे महाजन गुप्त के मोबाइल पर अनजान नंबर से फोन आया। दूसरी तरफ से बोलने वाले ने उन्हें बताया कि बलराम का अपहरण कर लिया गया है, उसे छुड़ाने के लिए 1 करोड़ रुपए का इंतजाम कर लो, अगली फोन रकम कब और कहां पहुंचानी है बताया जाएगा। इतना कहने के बाद उसने फोन काट दिया। महाजन ने उस नंबर पर फोन किया तो मोबाइल स्विच ऑफ मिला, लेकिन थोड़ी देर बाद 10-10 मिनट के अंतराल पर उसी नंबर से 2 बार फिर फोन आया और दोनों बार बलराम को अगवा किए जाने की बात दोहराते हुए 1 करोड़ रुपए का इंतजाम करने की बात भी दोहराई गई। महाजन को बेटे के अगवा होने की बात पर भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने पहले उसको गांव में तलाश किया। काफ़ी तलाश करने के बाद जब उसका कहीं पता नहीं चला तो उन्होंने लोगों को बेटे के अगवा किए जाने को लेकर आए फोन और 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगे जाने के बारे में बताया। लोगों के कहने पर शाम 5 बजे 112 नंबर पर फोन कर उन्होंने पुलिस को घटना की सूचना दी। फोन बच्चे को अगवा कर लिए जाने की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस से लेकर अधिकारियों तक तफ्तीश में जुट गए। क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा रचना मिश्रा के अलावा पिपराइज और गुलेरिया थाने की पुलिस, क्राइम ब्रांच और एसटीएफ गोरखपुर की टीम मौके पर पहुंच गई। बलराम के साथ खेलने वाले बच्चों से जानकारी लेने के बाद पुलिस ने संदिग्धों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी। फिलहाल सोमवार को अपराधियों द्वारा बच्चे की हत्या कर दी गई। एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया कि मामले का सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया कि 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक उत्तरी अरविंद कुमार पांडे तथा एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, उधर है गोली, है गोली का मान रे मैया कौन काम के नहीं हम बानी हो बबुआ। जियो बच्चा जल्दी से मोबाइल जिम्मे में रख लीजिए ना, करेंगे कैसे पकड़े थे तो देखिए। अभी एक अभियुक्त गिरफ्तार है जिसकी निशानदेही पे हम लोगों ने डेड बॉडी बरामद की है। इसके अलावा जो है और कई लोग जो है सस्पेक्ट जो है हमारी हिरासत में हैं और ये केस हम लोग जो है 2-4 घंटे के अंदर ही ओपन कर देंगे। भाई घटनाक्रम ये हुआ था कि बच्चा कल जो है 12 बजे गायब हुआ था। ये परिजनों के कहने के हिसाब से 3 बजे के आसपास इनके पास जो है एक नंबर से जो है कॉल आई थी। 5 बजे इन्होंने जो 100 नंबर पे सूचना दी थी और पुलिस को सूचना दी थी, तो तभी से जो है हम लोग लगातार लगे हुए थे। उसके बाद जो है आज जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बच्चे की डेड बॉडी जो है बरामद हुई, एक व्यक्ति निशानदेह थे और जो है बाकी कई सारे लोगों को हत्या का कारण जो है देखिए अभी कुछ कहना जो है प्रीमेच्योर होगा। ये सब जो है जो गैंग नज़र आ रहे हैं नौसिखिया किस्म का है। अब आगे जो है हम छानबीन के बाद ही आपको जो है
ना जो है ये लोकल ही है, ये जो है बाहर से या कोई पेशेवर जो है गैंग नहीं है। भाई देखिए अभी जो हमने आपसे बता दिया जितना तथ्यात्मक तथ्य हमने बता दिया, उसके बाद जो है आधिकारिक वर्जन जो हम देंगे। अभी तक तो जो है हमें नहीं होगी भाई, आपको जो है निकटवर्ती बताया गया तो परिवार से तो परिचित ही। इस तरह की जो है कोई चूक हमारे पार्ट पर नहीं हुई है, जो कुछ भी है मीडिया के लोगों ने हमें जानकारी करके बताया। हमारा कोई आधिकारिक बयान नहीं था कि ये जो है डेढ़ साल पहले गायब हो गया था, जो है तो वैसे ही गायब हो गया। हम लोग लगातार प्रयास करते हैं। बात पे जो है हमने पहले ही आपसे कह दिया कि अभी कुछ कहना जो है जल्दबाजी होगी, जो है थोड़ा सा आप अवसर दीजिए हमको, हम सारी बातों से आपको ब्रीफ कर देंगे। जैसा कि आपको पता ही है, गोरखपुर में कल एक बच्चे के गुम होने की सूचना प्राप्त हुई थी और डायल 112 पर उसके पेरेंट्स ने जो है लगभग शाम को 4:30 बजे के बाद उन्होंने बताया कि हमारा बच्चा जो है गुम है और हमें एक कॉल आई है कि जिसमें पैसे की डिमांड की गई है। और इनके जो पिताजी हैं उन्होंने तुरंत ही FIR दी और पुलिस ने तत्काल FIR दर्ज करी और अपहरण का मुकदमा तुरंत दर्ज करके पुलिस हरकत में आई। और हमने इसमें पूरी तरह से तेज़ी से काम करते हुए क्राइम ब्रांच को लगाया। ये कल शाम को लगभग 5 बजे के बाद पुलिस को, लोकल पुलिस को इत्तला हुई और इसमें तुरंत ही पुलिस ने लोकल पुलिस की कई 3 टीमें लगाई, क्राइम ब्रांच की भी हमारी 3 टीमें और साथ ही साथ STF का भी सहयोग लेते हुए हम लोगों ने रात में ही जो है जिस नंबर से कॉल आई थी उन नंबरों को लगातार मॉनिटरिंग करते हुए और कॉल डिटेल के आधार पर बंदों को उठाया, जिसने सिम बेचा उसको भी उठाया, जिसको उससे फिर धीरे धीरे पता करते हुए और कॉल डिटेल के एनालिसिस के बाद हमें दयानंद नाम के एक व्यक्ति का पता चला और जिसके उठाने के बाद उस बंदे से पूछताछ में जो है बाकी लोगों के भी नाम सामने आए और उस दयानंद नाम के व्यक्ति की ही शिनाख्त में हमें जो है दयानंद ने शिनाख्त कराई कि फलानी जगह पर जो है उस बच्चे को हमने मार करके फेंका है। और प्रथम दृष्टया इसमें यही सामने आया है कि ये सभी नवयुवक जो आसपास के ही रहने वाले, उसी मिश्रौलिया और जंगल दूषण नाम का क्षेत्र है थाना पिपराइश में, वहाँ के रहने वाले। इन लोगों ने फिरौती की रकम के लिए थोड़ी बहुत पैसे कमाने के चक्कर में, और इनको फिर बाद में लगा कि बच्चा इनको पहचानता है क्योंकि बच्चा लोकल ही था 14 साल का, और इसी वजह से कि इनकी पहचान छुपाने की घर से जो है इसकी हत्या करके बोरे में लाश डाल करके, वहीं पास में ही केवटिया नाला है, आप सभी वहां देख सकते हैं, और वहां पर इन्होंने कल शाम को ही अंधेरे में जा करके वो लाश वहां पर डाल दी। और हमारी टेक्निकल एनालिसिस में विद इन 12-14 घंटे के अंदर हमें ये सब चीज़ें क्लियर होना शुरू हो गई और एक के बाद एक जैसे ही अपराधी उठाए जाने लगे और पकड़ में आ गए हैं, इससे घटना का खुलासा हो गया। पुलिस ने बहुत तेज़ी से काम करते हुए और हमें लगातार इस मामले में उच्च स्तरीय दिशा निर्देश, DGP साहब हमारे बहुत चिंतित थे, सभी लोग लगातार रात भर हम लोग काम करते रहे और आपके सामने ये निष्कर्ष है कि ये घटना का खुलासा बहुत 24 घंटे के अंदर ही पुलिस कर पाने में सक्षम हुई है। इसमें 2 व्यक्ति और गिरफ्तार किए गए हैं, एक रिंकू गुप्ता और एक नितेश पासवान, जिन्होंने इसको फर्जी सिम जो है बरामद हुआ है जिससे कॉल गई थी, वो फर्जी सिम जो है रिंकू गुप्ता ने बेचा था और ये फर्जी सिम दयानंद जी के ही फ़ोन में इस्तेमाल हुआ था। दयानंद को पकड़ा गया है और दयानंद की शिनाख्त पर ही ये डेड बॉडी हमें बरामद हुई है। और साथ ही साथ अजय गुप्ता और निखिल भारती, जो कि मिश्रौलिया गांव का ही निखिल भारती है और अजय गुप्ता जंगल दूषण के रहने वाले, इनकी भी संलिप्तता पाई गई है। कुल अभी तक के 5 लोग हमने गिरफ्तार कर लिए हैं, जिसमें से 3 तो मर्डरर में शामिल हैं और 2 लोगों ने जो सिम है वो फर्जी सिम इनको मुहैया कराया। जैसे कि अभी प्रथम दृष्टया FSL टीम मौके पर बुलाई गई, पोस्टमार्टम होना बाकी है। जो बॉडी देखने से लग रहा है कि वो गले में उसको रस्सी से बांध करके जो है गला कस के, और साथ ही साथ जो है इन अपराधियों ने जो बताया है कि उसको शायद कोई दवा भी दी है जिससे कि वो आगे हरकत ना कर पाया, ये पोस्टमार्टम की जांच में भी सामने आ गया। अभी प्रत्यक्ष दर्शी जो हमें डेड बॉडी मिली उसमें कोई ऐसा नहीं पाया जा रहा है, पोस्टमार्टम में क्लियर हो जाएगा क्या चोटें हैं, किस वजह से, किस तरीके से उन्होंने हत्या की। प्रथम दृष्टया जो दिख रहा है उसमें गला टाइट है, मुंह नाक से थोड़ा सा खून आता हुआ दिख रहा है, बाकी हाथ और पैर बंधे हुए थे, जैसा कि आपने मौके पर खुद ही देखा होगा, कई लोग गए भी थे। और इसकी शिनाख्त इसमें निखिल भारती उसी मिश्रौलिया गांव का ही रहने वाला है एक लड़का, और ये उसी के साथ चलता फिरता भी है, बच्चे को जानते भी हैं ये लोग।
और इन्होंने काफ़ी दिन से, जैसा कि पूछताछ में सामने आया है कि 4-8-10 दिन से ये प्लानिंग कर रहे थे कि कुछ ऐसा करें कि कुछ हमें पैसे मिल जाए। सर कितनी फिरौती होंगे? इन्होंने जो दोपहर में फ़ोन किया है पिताजी को तो उसको 1 करोड़ रुपए के लिए बोला, फिर रात में जब इनके इसी बीच में इनके हाथ से मर्डर हो गया, जैसा कि ये अपराधी बता रहे हैं और जैसा साबित भी हो रहा है कॉल डिटेल्स के हिसाब से भी, कि शाम को फिर उन्होंने दोबारा फ़ोन किया और पैसे की कोई बात ही नहीं करी, बोले कुछ भी पैसा जमा करके हमें दीजिए तो हम आपका बच्चा छोड़ देंगे। बिल्कुल अभी लगातार दबिशें जारी हैं, अभी हमारे 2 मुलजिम और बाकी हैं जिनका नाम प्रकाश में आ रहा है और अभी तफ्तीश जारी है। हम अभी उसमें आगे एक बताना चाहेंगे, एक नितिन चौहान और एक अजय चौहान नाम के 2 मुलजिमों का और नाम प्रकाश में आ रहा है जिनका ये नाम बता रहे हैं और इनकी तलाश में लगातार दबिश जारी है और बाकी तफ्तीश भी अभी जारी रहेगी क्योंकि घटनाक्रम बहुत जल्दी ही खोला गया है तो इसकी तफ्तीश अभी चल रही है। अभी तक के हमारे पास 3 जो मर्डरर हैं और 2 सिम मुहैया करवाए जा रहे हैं। तो फरार दुश्मनी भी इसमें थी क्या? परिवार मर्डरर बिल्कुल मर्डर नहीं, परिवार वालों से कोई जाति का दुश्मनी थी नहीं। अभी इन एंगल्स की जांच की जा रही है, कुछ और एंगल्स की भी जांच की जा रही है लगातार। इट इज़ टू अर्ली टू से समथिंग। सर जो अपराधी पकड़े गए क्या पहले भी किसी अपराधी घटना में हुई? ये इसके अभी रिकॉर्ड्स तलाश किए जा रहे हैं क्योंकि अभी आपके सामने ही 2 घंटे पहले के मामले का खुलासा हुआ है। बच्चे से कुछ सेक्सुअल असॉल्ट ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो हम उसमें कुछ कह सकेंगे। प्रत्यक्ष में अभी जो डेड बॉडी मिली उसमें कपड़े पहने हुए थे, हाथ बंधे हुए थे पीछे, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही सामने आएगा। ठीक।